प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ लिया था प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ चैप्टर्स के बारे में। नाउ अभी हम स्टार्ट करेंगे नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में। तो नेशनल हेल्थ मिशन क्या है कि ये लॉन्च किया गया था हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और ये पूरे पूरे इंडिया के हेल्थ को ठीक करने का एक मिशन लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको हम लोग नेशनल हेल्थ मिशन। तो सबसे पहले ये जो नेशनल हेल्थ मिशन है ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तौर पे था। रूरल कहने का मतलब है कि गांव में पहले ये लॉन्च हुआ था 12 अप्रैल 2005 में ये गांव में लॉन्च हुआ था, जिसका मेन मकसद क्या था कि जो रूरल टाइप का एरिया है, गांव टाइप का एरिया है, वहां पे वुमेन्स पे, बच्चों पे और जो वल्नरेबल सेक्शंस है, जो हमारे समाज से कटा छटा वाला जो पोर्शन वाला जो लोग हैं, जो वर्ग के लोग आते हैं, उनके हेल्थ पे ध्यान देना, मेनली उनका हेल्थ को ठीक करना, उनके ऊपर ध्यान देना, उनको सही से खाना पहुंचाना, मेन यही मोटो से नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लाया गया था 2005 में। और इसका कुछ ऑब्जेक्टिव था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये जो हेल्थ मिशन था ये टोटल चाहे वो रूरल का रहे या अर्बन का रहे, इनिशियली ये रूरल के लिए आया था 2005 में, जो बाद में दोनों के लिए हो गया, रूरल एंड अर्बन दोनों के लिए, शहरी के लिए भी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी हो गया। तो इसका जो मेन मकसद था वो क्या था कि जितने भी लोग हैं सभी को एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत, सतत प्रयास के तहत सभी का हेल्थ को सुधारा जाए। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि फर्स्टली जो नवजात शिशु का मॉर्टेलिटी रेट था वो पहले हमारे देश में बहुत ज्यादा था, तो उसको कम किया जाए। नवजात के साथ साथ मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को भी कम किया जाए, जो मातृत्व का जो बहुत ज्यादा मृत्यु तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इसकी इम्प्लीमेंटेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, जो हमारा मातृत्व था, मातृत्व मृत्यु दर के साथ साथ बच्चों का, नवजात शिशु के मृत्यु दर को कम करना, उसके बाद पॉपुलेशन को स्टेबलाइज होने के लिए इंश्योर करना। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ही हम इन्फेंट के मॉर्टेलिटी रेट को बनाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा पॉपुलेशन भी बढ़ने लग जाएगा, या इन्फेंट भी कम मर रहे हैं, मातृत्व भी कम मर रहे हैं, तो पॉपुलेशन बहुत तेजी के साथ बढ़ने लग जाएगा। तो दूसरा हमारा इंश्योर क्या था कि हम अपने पॉपुलेशन को भी स्टेबलाइज करें। स्टेबलाइज कैसे करेंगे, तो बहुत सारे स्लोगन आने लगे, हम दो हमारे दो, या बहुत सारे फैमिली प्लानिंग के मैथड्स आने लग गए। तो ये धीरे में लाया गया कि किस टाइप से हम पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करें। थर्ड पॉइंट क्या था कि हम जितने भी कम्युनिकेबल एज वेल एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उसको रोकने, उसके रोकथाम करें, उसको कंट्रोल करें, अगर बात है उसको कंट्रोल करें, उसको प्रिवेंट करें। कम्युनिकेबल क्या होता है कि जो डिजीज एक दूसरे में फैल रहा हो, किसी में भी फैल रहा हो, चाहे वाया मीडिया फैल रहा हो या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैल रहा हो, उसको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। और जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं फैल रहा हो, जैसे कि कैंसर हो गया, उसको हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में भी जेनेटिकली ट्रांसफर हो सकता है, बट एक दूसरे से नहीं होगा। उसके बाद क्या था कि आयुष को अपग्रेड किया गया। आयुष, आपने बहुत सारा आयुष डॉक्टर्स के बारे में सुना होगा। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल को जीने के लिए क्या हुआ कि आयुष को प्रमोट किया गया। आयुष दैट इज ये कॉम्बिनेशन वर्ड से बना हुआ है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धि और हेमोपैथी। तो जैसे डॉक्टर होते हैं एमबीबीएस, वैसे आयुष डॉक्टर होते हैं, वो अभी आयुर्वेदा पढ़ के आया होगा, योगा पढ़ के आया होगा, यूनानी पढ़ के आया होगा, सिद्धि पढ़ के आया होगा या होम्योपैथी पढ़ के आया होगा, तो उनको शॉर्ट में दिया गया आयुष। तो अभी क्या है कि सिर्फ आप जरूरी नहीं कि सिर्फ आप एलोपैथिक दवाई खाएं, तो अभी हर एक हॉस्पिटल में आयुष डॉक्टर का भी बहाली किया जाता है। तो ये क्या है कि हमारा रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आ रहा था। तो ये हमारा सबसे स्टार्ट हुआ 2005 में। उसके बाद ये सब इम्प्लीमेंटेशन लाया गया, उसके बाद देखा गया कि हाँ ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि अब ये जो काम है, बोला कि नहीं ये काम सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहेगा, अब ये काम हमारा शहरों में भी फैलेगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये सेम काम 2013 में लाया गया
अब इसका मेन उद्देश्य सिर्फ गांव तक सीमित नहीं था, अब ये अर्बन हेल्थ मिशन के तौर पे भी लाया गया और दोनों को मिला के कहा गया नेशनल हेल्थ मिशन। अब रूरल का जिक्र नहीं किया गया, अब ये इसको सिंपल हेल्थ मिशन का नाम दिया गया नेशनल हेल्थ मिशन, जिसके साथ रूरल हेल्थ भी आया और अर्बन हेल्थ भी आया और ये कंटिन्यू होता रहा 2020 तक। अब यहाँ पे क्या है कि जो जो रूरल में हुआ वो अर्बन में भी आएगा। इसमें मेन क्या था कि हमारे हेल्थ सिस्टम को सुधारना, चाहे वो रूरल में रहे या अर्बन में रहे। और इसका मेन मेन कौन सा लोग आए तो रिप्रोडक्टिव मेटरनल न्योनेटल चाइल्ड एडोलेसेंस हेल्थ के साथ साथ कम्युनिकेबल एज वेल एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को। रिप्रोडक्टिव कहने का मतलब है जो प्रेग्नेंट औरतें हुई, मैटरनल कहने का मतलब है जो अफ्टर पोस्ट प्रेग्नेंट मतलब बच्चे के जन्म होने के बाद, न्यूनेटल चाइल्ड कहने का मतलब है नवजात शिशु और एडोलेसेंस कहने का हेल्थ कहने का मतलब है कि जो 13 टू 18 ईयर में जो लोग आते हैं उनके हेल्थ को सुधारना ही मेन उद्देश्य दिया गया। उसके साथ क्या था कि कम्युनिकेबल एज वेल एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब ये जो मिशन आया इसका मेन मतलब क्या था कि हमारे हेल्थ क्वालिटी को सुधारना। और ये कैसे सुधरेगा तो फैमिली प्लानिंग आ गया, नॉलेज को बढ़ाना आ गया, बहुत सारे कैंपेन लगाए गए, हॉस्पिटल्स में फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हुआ फैमिली प्लानिंग किट्स का, बहुत कुछ हुआ। हेल्थ मैनेजमेंट कैसे हो, कैसे हम जो हमारे समाज से कटा हुआ तबका है, जो लोग बैकवर्ड है लो विंग्स में आते हैं, जो हम लो विंग्स कहने का मतलब है कि जो वामपंथी दल के लोग रहते हैं, जो मतलब कटे हैं हमारे समाज से कटे लोग हैं, उनके उनके लाइफ को कैसे सुधारा जा सके, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको कैसे ठीक किया जा सके, उनको कैसे उनकी हेल्थ को कैसे सुधारा जा सके, यही सब मेन उद्देश्य आया है। और इसका एक और मतलब क्या था कि हम जो हेल्थ पे अपना बहुत पैसा बर्बाद कर रहे हैं उस पैसे के एक्सपेंडिचर्स को कम करना भी एक नेशनल हेल्थ मिशन का उद्देश्य था। तो हेल्थ मिशन के अंतर्गत हमने पहले ही रूरल हेल्थ मिशन पढ़ लिया, नेक्स्ट है अर्बन हेल्थ मिशन। तो ये अर्बन हेल्थ मिशन 2013 में स्टार्ट किया गया और ये जब 2013 में स्टार्ट किया गया तो इसके अंतर्गत जो भी शहर में रहने वाले पुअर लोग हैं या वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जो कटा हमारे समाज से कटा हुआ समूह है, उनके हेल्थ को सुधारने का जिम्मेवारी उठाया अर्बन हेल्थ मिशन। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि 779 सिटीज और टाउन्स में ये मिशन लागू किया गया और बहुत सारे पॉपुलेशन लगभग 50,000 से ज्यादा पॉपुलेशन को कवर किया गया इसके अंतर्गत। तो अर्बन मिशन और रूरल मिशन दोनों का जो मेन ऑब्जेक्टिव था सेम था, बट अंतर क्या था कि एक शहरी क्षेत्र में किया गया और शहरी क्षेत्र में जो किया गया था वो 2013 में किया गया था और जो अर्बन रूरल क्षेत्र में किया गया था वो 2005 में किया गया था। तो एज लाइक रूरल अर्बन हेल्थ मिशंस, अर्बन हेल्थ मिशंस का भी वही उद्देश्य था कि इन्फेंट के मॉर्टेलिटी रेट को घटाना, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को घटाना, नवजात शिशु और जो मातृत्व वाले थे उनके मृत्यु दर को घटाना, उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर में सुधार लाना, जो भी फैमिली प्लानिंग का प्रोसेस आया चाहे जो भी आया उसको सुधारना, उसके अलावा हेल्थ से रिलेटेड जो भी इंटरवेंशन था जो भी चीज था उसको एक सामूहिक रूप से लाया और उसको सुधार किया है। उसके अलावा 2020 तक ये अपॉर्चुनिटी किया गया था, उसके अलावा क्या क्या गया कि और भी क्या क्या इंडिकेटर्स दिखा कि हाँ पॉजिटिव वे में ये काम किया। तो क्या क्या इंडिकेटर्स दिखा कि हमारे देश में क्या हुआ कि MMR जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है वो रिड्यूस किया गया 1/1000 लाइफ बर्थ। उसके बाद हमारा जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट था वो 1000 में से 25 की मौत हो। उसके बाद जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 कर दिया गया, मतलब हमारे पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने का भी एक उद्देश्य था कि हमारे जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसका हम रोकथाम करें, जो पॉपुलेशन विस्फोट हो रहा है उसको हम रोके। तो हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट था उसको कम कर दिया गया 2.1 तक में कंट्रोल किया गया। पहले ये लगभग हमारे देश में अबाउट 80s में 4 के लगभग में था, जिसको घटा के 2.1 किया गया एवरेज में। उसके बाद क्या था कि जो एनीमिया है सबसे वुमेन्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है एनीमिया की,
उनकी कमी होती है। एनेमिया बहुत तरह के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनेमिया होते हैं, बट यहाँ पे एनेमिया का मुख्यतः काम क्या होता है कि आरबीसी का कमी हो जाता है, उनमें आरबीसी की मात्राएं घट जाती है, मेनली वुमेन्स में होता है, तो 15 to 49 ईयर्स में होता है। तो अब क्या है कि इसको रिड्यूस करने के लिए ये भी एक इम्प्लीमेंटेशन तक इसको कैसे रिड्यूस किया जाए, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम रखा, जैसे कि आयरन की गोलियां बढ़ाने लग गए एडोलेसेंस गर्ल्स में या फिर वुमेन्स में। तो ये काम किया गया कि उसको उसके खाने पे ज्यादा ध्यान दिया, आयरन के टैबलेट्स दिए गए कि उनका कमी ना हो आयरन से। उसके बाद क्या है कि जो भी हमारे बॉडी में मॉर्टेलिटी हो रहा था या मॉर्बिडिटी हो रहा था कम्युनिकेबल डिजीज के कारण या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कारण, उसको प्रिवेंट किया गया, उसको रोकथाम किया गया। मॉर्टेलिटी मरना और मॉर्बिडिटी दैट इज डिजीज। उसके बाद क्या है कि हमारा जो भी हेल्थ केयर पे बहुत ज्यादा खर्चा पड़ रहा था उसको रोका गया, बहुत हद तक रोका गया। गवर्नमेंट में बहुत सारी सुविधाएं बढ़ा दी गई। पहले हमने जब पढ़ा था पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर में, तो हमने पढ़ा था कि पब्लिक में बहुत कुछ नहीं रहता है, बहुत सुविधाएं नहीं मिल रहता है, तो लोग प्राइवेट की ओर जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, तो जैसे प्राइवेट की ओर जाएंगे तो लोगों का एक्सपेंडिचर बढ़ने लग जाएगा। तो इन दैट केस क्या हुआ कि अब गवर्नमेंट ने अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे ज्यादा ध्यान दिया और वहां पे डॉक्टर्स का रहना मस्त कर दिया कि नहीं, अब डॉक्टर्स रहेंगे, निगरानी टीम जाके देखती है कि हाँ डॉक्टर एंड नर्स सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वहां पे खाना फ्री, भोजन दिया जाता है, दवाइयां फ्री में दी जाती हैं। तो ये सब क्या है, इसके एक्सपेंडिचर को कम करने के, दवाइयां का खर्चा कम करने के लिए सरकार खुद ही सब्सिडी वाले दवाइयां देती है, बहुत कम कीमत पे 80% डिस्काउंट 90% डिस्काउंट पे दवाइयाँ मिलती हैं, तो जेनरिक दवाइयाँ मिलती हैं। उसके बाद क्या है कि सबसे ज्यादा मौत हमारे देश में ट्यूबरक्लोसिस से ही होता है, तो उसको कैसे रोकथाम करें, तो डॉट्स आते हैं। तो जो ट्यूबरक्लोसिस का बीमारी का इलाज फ्री में होता है हमारे यहाँ, तो अब उसको कम किया जाए, टोटली उसका आधा कर दिया जाए फ्री में। अब दवाइयाँ देंगे तो जो गरीब तबके के भी जो लोग होंगे तो वो जाके दवाइयाँ लेंगे और टीबी का इलाज करवाएंगे। उसके बाद जो कुछ रोग था तो अब लगभग हमारे देश से कुछ में ठीक गया है, तो अब उसको कम करना, 1000 पॉपुलेशन में एक से भी कम रहे ऐसा विचार किया गया। उसके बाद मलेरिया का जो इंसिडेंस है वो 1000 में एक केसेस है या उससे भी कम हो। उसके बाद जो फिलेरिया है तो हमारे देश में less than 1% इम्प्लीमेंट किया गया। उसके बाद कालाजार को 2015 तक मिटा देने का घोषणा किया गया। मतलब ये सब चीजें जो है अचीवमेंट के लिस्ट में रखा गया कि ये सबको 2020 तक में टोटली कंप्लीट करना है। नेशनल हेल्थ मिशंस का ये पॉइंट रखा गया। कोई भी मिशन रहता है या कोई भी शेड्यूल जब भी हमारे गवर्नमेंट द्वारा लाई जाती है तो वो एक योजना के तहत लाई जाती है कि हाँ इसको ये मिशन है, इसको यहाँ तक कंप्लीट करना है, एक खास पर्टिकुलर ईयर तक इसको कंप्लीट करना है। तो ये जो ईयर था ये 2020 तक था, 20 का लास्ट डेट, 20 इसका लास्ट था, तो 20 तक ये जितने भी पॉइंट मैंने लव डेट की इसको कंप्लीट करना था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो मिलेनियम डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है कि सहस्राब्दी एक सहस्त्र सालों तक चलने वाला कोई प्रोग्राम को हम लोग मिलेनियम डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं। इसमें क्या हुआ कि ये सिर्फ इंडिया का प्रोग्राम नहीं है, ये इंटरनेशनल प्रोग्राम है जिसमें 8 इंटरनेशनल गोल्स को डिटरमाइन किया गया था 2015 तक में कम्प्लीट करने का। तो उसके बाद क्या है कि हमारे देश में सिर्फ WHO ही काम नहीं करता हेल्थ सेक्टर में, और भी बहुत सारे हैं जैसे OECD है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन और डेवलपमेंट बोलते हैं उसको, और DAC हो गया डेवलपमेंट असिस्टेंट कमिटी। तो ये क्या करती है कि बहुत सारे देश मिलके, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मिलके वहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे आप WHO पढ़ते हैं ना, WHO के बहुत सारे मेंबर्स हैं, बहुत सारे कंट्री उसके मेंबर्स हैं, तो वैसे ही OECD हुआ और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं तो उसके बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, इंडिया भी मेंबर्स रहते हैं, WHO के इंडिया भी मेंबर्स है, OECD के भी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि वो एक प्रोग्राम बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट प्रोग्राम।
और ये प्रोग्राम किसी एक खास देश में नहीं चलता, जितने भी मेंबर कंट्री हैं सभी में चलता है। तो ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स था, गोल्स था, इसको अचीव करना था 2015 तक, और ये क्या है 2015 तक इसको अचीव करना था। और ये कहाँ कहाँ चला, 191 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स में चला, और एटलीस्ट 22 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया गया, के सहयोग से चलाया गया। और इसमें 8 गोल्स लिए गए, 8 अचीवमेंट्स लिए गए कि इसको 8 अचीवमेंट्स को हमको पूरा करना है 2015 तक। तो मिलेनियम डेवलपमेंट प्रोग्राम 2015 तक में कंप्लीट करना था, और उसमें 8 उद्देश्य लेके चला गया। तो अब ये जो उद्देश्य था तो 2015 तक करना था, और जो बचा कुचा रहा उसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में पढ़े, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के ठीक बाद आया, मतलब 15 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स खत्म हुआ, उसके बाद दूसरा स्टार्ट हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तो अब ये जो 8 गोल्स हमने ध्यान रखा है कि आइए 8 गोल्स है, तो ये 8 गोल्स क्या है। तो फर्स्ट गोल क्या था कि एक्सट्रीम पॉवर्टी और हंगर को मिटाना है। जो भी हमारे देश में बहुत ही गरीबी है या बहुत भुखमरी की स्थिति है, तो ये चीज को हटाना कि कोई भी लोग भूखा ना रहे हमारे देश में। अगर कोई भी लोग भूखे मरता है तो ये वहां के डीएम पे जाता है कि उस एक पर्टिकुलर क्षेत्र का डीएम है या जो भी अथॉरिटी है उस पे ये केस बन सकता है, क्योंकि हमारे देश में ये नियम है कि भूखा कोई नहीं मर सकता। दूसरा है कि प्राइमरी एजुकेशन को अचीव करना, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को अचीव करना, मतलब ये 1 से 5 तक जो क्लासेस है 5 तक का एजुकेशन मस्ट कर दिया गया, इसलिए हमारे देश में फ्री एजुकेशन कर दिया गया प्राइमरी एजुकेशन का। और 5वें तक आपको पढ़ना ही है, कोई भी सरकारी स्कूल में रहे तो सरकारी स्कूल मुफ्त में एजुकेशन देते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या था कि जेंडर इक्वलिटी और इम्पावर वुमेन को करने की। तो ये जो भेदभाव हो रहा है, लिंग का भेदभाव होता है, लड़की है लड़का है, तो ये इसको इक्वलिटी कर दे। पहले हमारे देश में क्या था कि वुमेन्स को वेजेस कम मिलते थे, कम सैलरी मिलता था कंपेरिजन टू मेन, बट अब वो अगर एक जगह पे दोनों काम कर रहे हैं तो एक जैसा सैलरी मिल रहा है, तो ये जेंडर इक्वलिटी किया गया या वुमेन को इम्पावर किया गया। उसके बाद चाइल्ड मोर्टेलिटी, जो बहुत ज्यादा चाइल्ड मोर्टेलिटी हो रहा था, बहुत ज्यादा शिशु मृत्यु दर हो रहा था, उसको रोकना। उसके बाद मैटरनल हेल्थ को रोक ठीक करना, इम्प्रूव करना। उसके बाद एचआईवी एड्स मलेरिया जैसे डिजीज के बारे में सोचना, उसके रोकथाम करना। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को देखना, मतलब जो हमारा जो इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट पर भी देखना, जो हमारा एयर पॉल्यूशन, तरह तरह के पॉल्यूशन हो रहे हैं तो उनको ठीक करना। उसके बाद क्या है कि जो हमारा ये पार्टनरशिप चल रहा है, ये 191 कंट्री जैसे मिलके ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बनाए हैं, तो उस पार्टनरशिप्स का भी डेवलपमेंट्स को डेवलप करना, ताकि और जाके इस टाइप के गोल्स मिशंस काम कर सके। तो यही था हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। फिर हम नेक्स्ट ये पढ़ते हैं इसके जस्ट बाद, जैसे ये 2015 तक में कंप्लीट हुआ, और जितने भी गोल्स लिए जाते हैं जैसे ये 8 गोल्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि एट ए टाइम टोटल जेंडर इक्वलिटी कर दिया गया, वुमन पूरा सशक्त हो गई या चाइल्ड मोर्टेलिटी बिल्कुल ही बंद हो गया। बट क्या है कि एक प्रयास किया जाता है कि जिसमें एटलीस्ट 50% भी ये चीज कवर हो गया, तो मतलब ये कि गोल्स कुछ तो काम किया। ऐसा नहीं है कि टोटल का टोटल काम हो जाता है, बट वो क्या है कि उस दिशा में प्रयास किया गया, और ये प्रयास कुछ ना कुछ कंप्लीट होता है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट डे फिर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, FYP डेवलपमेंट प्रोग्राम और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम बच गए, और जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।